हेलो एवरीवन दिस साइड रिदि सोरल फ्रॉम हैकर्स ब्लॉग एंड आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की वलनेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड ये पूरा हमारा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है बट ड्यू टू सम मिस मेल फंक्शनिंग सॉरी मेल फंक्शनिंग ऑफ माई लैपटॉप मेरा पी नहीं चल पा रहा था तो मैंने विदाउट पी लिया था राइट right? सो so, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि काफ़ी दिक्कत आई मीन समझ नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली स्लाइड्स नहीं थी तो समझ में कैसे आएगा सो so, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के दो बाग्स लेकर आई हूँ किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वलनेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं आज हम वो देखेंगे और साथ ही साथ मैं उसकी स्लाइड्स के थ्रू आपको पूरा प्रिवेंशन पूरा ये चीज़ बताऊँगी किस तरीके से ये वलनेबिलिटी अराइज़ होती है एंड किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है सो सबसे पहले हम इंडेक्सिंग पे चलेंगे इंडेक्सिंग है वॉट इज इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर क्या होता है उसके बाद हम उसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे सो so, एंड उसके बाद हमारे पास आएगा कि ये किस तरीके से अराइज़ हुई मींस ऑब्वियसली जब हमें वलनेबलिटी का पता चलेगा कि ये वलनेबिलिटी इस इस मीडियम से आई है इस इस मीडियम से ये वलनेबिलिटी हुई है तो डेफिनेटली हम उसका प्रिवेंशन भी समझ पाएंगे कि ओके okay, अगर सपोज़ इस तरफ से जाने पे हमारा रास्ता एक्सवाइजेड जाता है और हमें जाना ए बी सी है तो ऑबियसली हम ए बी सी वाला रास्ता चूज करेंगे ना सो so वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगी और राइट नेक्स्ट आएगा इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वालेनेबिलिटी का क्या क्या इम्पैक्ट कर सकती है ये चीज देन आएगा प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर क्या प्रिवेंशन रख सकते हैं हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के ओके okay, सो so आज का जो इंडेक्सिंग है वो ये सारी चीज़ों का है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर एवलेबिलिटी क्या होता है इन एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं जिससे हम इन्फॉर्मेशन वलनेबिलिटी को समझ पाए मीन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वलनेबिलिटी को समझ पाए साथ ही साथ ये कैसे अराइज़ होती है एंड क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं प्रिवेंशनस ऑन इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर क्या क्या प्रिवेंशनस हम अपना सकते हैं सो so, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए जल्दी से समझते हैं कि ये अवेलेबलिटी क्या होती है एंड इसको किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है सो so, सबसे पहले आता है व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वलनेबलिटी ओके सो बेसिकलीफो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का मतलब ही यही होता है कि इन्फॉर्मेशन को आपने ओपन कर दिया मींस आपने खोल दिया कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा कोई ऐसा डेटा जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने हाइड करने की जगह डिस्क्लोज कर दिया लीक कर दिया और सो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर सो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑल्सो नोन एज इन्फॉर्मेशन लीकेज इज़ वेन अ वेबसाइट अन इंटेंशनली रिवील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स वो किस तरीके से अन इंटेंशनली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूजर्स की तरफ लीक करती है ओके okay. अब जैसे उसमें क्या क्या हो सकता है जैसे अगर हम इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर अवेलेबलिटी की बात करें तो वो चीज़ क्या क्या हो सकती है जैसे किसी का सपोज Uh, कोई वेबसाइट है जहाँ पे हम अपनी डिटेलिंग रख रहे हैं ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम डे टू डे लाइफ में शॉपिंग करते हैं या डे टू डे लाइफ में uh, किसी भी वजह से हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो कार्ड डिटेल्स मांगता है हमने कार्ड डिटेल्स दे दिया और इसका भी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं जो जैसे उडमी हो गया उडमी तो चलो कोर्स परचेजिंग के लिए होती है राइट right? बट जैसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कोर्सेरा है कोर्सेरा में क्या होता है ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स uh, भी हैं आई एम नॉट पॉइंटिंग ऑन एनी वन ऑफ द वेबसाइट बट मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ मे बी आपने यूज़ किया हो तो जब भी वहां से हम कोई कोर्स या कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं थर्टी डे का ट्रायल देते हैं एंटीवायरस पे भी होता है थर्टी डे का ट्रायल उसके बाद अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपका पैसा कटेगा मीन्स आपका चार्जिंग लगेगा ये सारे टूल्स में भी होता है तो वो चीज़ किस तरीके से होती है वो पहले आपसे लॉग इन कराते ही अपनी डिटेलिंग फिल करा लेते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेलिंग फ़िल करा लेते हैं ठीक है ना अब सपोज ऐसी कोई वेबसाइट के ओनर आप हैं जो आप सामने वाले के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को रख रहे हैं अपनी साइट पे कि तीस दिन तक ट्रायल है आप हमारा ये सर्विस यूज करें अगर उसके बाद भी आप यूज करते हैं आपको अच्छा लगता है आप यूज करते हैं सो डेफिनेटली तीस दिन बाद पैसा कटना शुरू हो जाएगा राइट सो सोचिए अगर आप किसी की कार्ड डिटेल्स को अपने अंदर सेव करा रहे हैं एंड वो कार्ड डिटेल्स लीक हो जाती है तो कितनी ज्यादा डेंजरस या वेलेबिलिटी हो सकती है ठीक है ना सो so, इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो अगर वो डिस्क्लोज हो रही है देन दैट गोइंग टू बी अजार्डियस सेंसिटिव कमर्शियल और बिजनेस डेटा अब सेंसिटिव डेटाज भी हो सकते हैं बिजनेस डेटाज भी हो सकते हैं टेक्निकल डेटाज अबाउट द वेबसाइट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स टेक्निकल डिटेल्स हो सकती हैं टेक्निकल डिटेल्स इन सेंस हम कंपनीज की टेक्निकल डिटेल्स हो गई कुछ प्रोजेक्ट्स डिटेल्स हो गई सो so, कुछ भी चीज़ हो सकती है द डेंजर ऑफ लीकिंग सेंसिटिव यूजर और बिजनेस डेटा आर फ्य ऑब्वियस बाय टेक्निकल इंफॉर्मेशन कैन समाइम्स जस्ट एज सीरियस सो डेंजरस चीज़ ये है कि अगर सेंसिटिव डिटेल्स लीक होती है सो दैट गोइंग टू बी अ हजारियर्स दैट गोइंग टू बी अ वलनेबल ठीक है ना सो so, इसलिए ये वल्नेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वल्नेबिलिटी में पाई गई है अब इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि जब हम यहां से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वेबसाइट पे एंड अगर वेबसाइट से कुछ डिटेलिंग लीक हो रही है या कुछ भी डिबग हो रही है इंफॉर्मेशन तो वो डायरेक्ट अटैकर के पास आ रही है ना अटैकर देन उसको मिस कर सकता है एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर के रिवीलिंग द नेम्स ऑफ हिडन डायरेक्टरीज रिवील कर देना नेम्स हिडन डायरेक्ट्रीज के दैट इज देयर स्ट्रक्चर्स देयर कंटेंट्स वाया रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल सो क्या होता है बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक होते हैं आज अपन ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक होते हैं ऑब्वियसली हर किसी वेबसाइट का ही लिंक होता है सो so, अगर वहाँ पर हमने रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल लगाया एंड अगर उससे उसने हमें कुछ बर्ब सूट में रिक्वेस्ट शो करी जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सो दैट अगेन लीड्स टू अ इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर वालेब्रिटी क्योंकि वो हमें इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सोर्स कोड फाइल्स वायर टेम्पररी बैकअप सो इससे क्या होगा प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सोर्स कोड फाइल्स सोर्स कोड फाइल्स के बारे में निकल जानी चीजें मीन्स डिटेलिंग निकल जाना कोड निकल जाना सो so आप जान सकते हैं कि कभी कोई अगर डेवलपमेंट कंपनी है अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है जैसे वेबसाइट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कुछ भी बना रही है अगर उसका कोड लीक हो जाता है तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा हार्म कर सकती है उस कंपनी को क्योंकि उनका जो आइडिया है उनका जो डिज़ाइन एंड पैटर्न है अगर वो सामने वाली कंपनी ने ले लिया तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट भी वो बना लेंगे तो फिर यूनिकनेस कहाँ दिखेगी ठीक है ना सो so, इस वजह से काफ़ी कंपटीशन रहता है और ये डेटा लीक होने वाली वलेनेबलिटी बहुत ज़्यादा फिर आ, आ, मतलब डेंजरस हो सकती है ठीक है ना तो सोर्स कोड अगर किसी चीज़ का लीक हो गया आप मानेंगे नहीं सोर्स कोड जब बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे व्हाट्सएप का सोर्स कोड है ये सारा ये बड़े बड़े सोर्स कोड को बहुत प्राइवेट रखती है क्योंकि हमारा अगर किसी ने देख लिया तो सेम टू सेम चीज़ कॉपी हो जाएगी ना फिर हमारी यूनिकनेस कैसे रही राइट right? सो so, इस चीज से ऑब्वियसली आप सहमत होंगे प्लीज़ कमेंट इन द चैट बॉक्स अगर आप सहमत हैं तो तो इसलिए सोर्स कोड और कभी भी कोई भी कोड अगर दिया जाता है उसको सामने वाली कंपनी अगर खरीदती है तो बहुत हेवी कॉस्टिंग पे वो जाता है ठीक है ना सो so, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई सोर्स कोड फाइल पे एक्सेस नहीं हो जाए अगर उसको सर्वर साइड से मैनिपुलेट कर दिया अगर उसको क्लाइंट साइड से भी मैनिपुलेट कर दिया या यूआई बेस पे भी मैनिपुलेट कर दिया तो भी बहुत डेंजरस हो सकता है ठीक है ना नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिटिंग एक्सप्लिसिटली मैंशनिंग डेटा बेस टेबल और कॉलम नेम्स इन एरर मैसेज अगर जैसे सपोज़ आप कोई सपोज uh, मैं एक फ़ॉर्म भर रही हूँ वेबसाइट पे एंड उस वेबसाइट पे फॉर्म भरते भरते जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया वो रीलोड करके मुझे होम पेज पे लेके गया लेकिन वहां पे क्या हुआ ऊपर कुछ SQL का नाम लिखा हुआ आ गया कुछ डेटा की इंफॉर्मेशन आ गई कुछ टेबल ही शो हो गई मींस ये टेबल बनी हुई आ गई या मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनल डेटाबेस की शो हो जाना वो भी इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर वालेबिलिटी में काउंट होगा ठीक है ना देन आएगा अननेसेसरी एक्सपोजिंग हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज कर देना अब क्या क्या हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स पहले रख लेते हैं हम आपके क्रेडिट कार्ड को हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन जब ये पूरा जैसे आपका पीरियड कंप्लीट हुआ थर्टी डेज फिफ्टीन डेज टेन डेज सेवन डेज फाइव डेज उसके बाद आपका पैसा कटना लग जाएगा होता है ये चीज़ तो अगर उसकी डिटेल आप अपनी साइट पे रख रहे हैं मींस कोई कंपनी रख रही है और वो डिटेलिंग ही लीक हो रही है तो कितना ज़्यादा कस्टमर का डेटा आप आ, लीक कर रहे हो ठीक है ना हार्ड कोडिंग एपीआई कीज हो गई अगर हार्ड कोडेड एपीआई कीज यूज करी तो वो भी बहुत डेंजरस हो सकती है आईपी एड्रेसेस आईपी एड्रेसेस अगर हमने यूज किए और वो भी सर्वर साइट पे दिख गए वायर चाक के थ्रू या किसी भी टूल के थ्रू तो भी बहुत डेंजरस है डेटाबेस क्रेडेंशियल्स अगर आई पी एड्रेस दिख गया उधर से सर्वर वर्जनस भी दिख गया तो एम आई टी एम अटैक्स भी हो सकते हैं तो ये गोइंग टू बी वेरी डेंजरस डेटा बेस्ड क्रीडेंशियल्स एंड सो ऑन इन द सोर्स कोड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकता है सो so होपफुली आपको इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर अवेलेबलिटी के एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं इसके आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ टेक्स्ट मी मैसेज मी कमेंट्स मी सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं हाउ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इशू अराइजेज अब सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात आई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इशू किस तरीके से अराइज होता है कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इशू आ सकता है सो so, इसमें क्या होता है सबसे पहली चीज़ होती है फेलियर टू रिमूव इंटरनल कंटेंट फ्रॉम पब्लिक कंटेंट जब भी कोई कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं शो करने के लिए तो वहाँ से रिमूव कर दें इंटरनल कंटेंट कोई ऐसा इंटरनल कंटेंट जिसमें हमारी प्राइवेट डिटेल्स जा रही हैं जिसमें यूजर डिटेल्स जा रही हैं या कोई ऐसी चीज़ जा रही है जो कि हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए अगर अटैकर को मिल गया तो ठीक है ना तो फेलियर टू रिमूव इंटरनल कंटेंट फ्रॉम पब्लिक कंटेंट एग्जाम्पल भी बता रखा है फॉर एग्जाम्पल डेवलपर कमेंट्स इन मार्कअप आर समटाइम्स विजिबल टू यूजर्स इन द प्रोडक्शन एनवायरमेंट ठीक है ना कई बार क्या होता है डेवलपर के कमेंट्स प्रोडक्शन एनवायरमेंट में भी शो होते हैं जब हम वेबसाइट को एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को लाइव कर देते हैं तब भी वो शो होते हैं इन सिक्योर कॉन्फिग्रेशन ऑफ द वेबसाइट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज अब इनसिक्योर कॉन्फिगुरेशन अगर कॉन्फिग्रेशन आपने सिक्योर नहीं कर रखा तो वो भी डेंजरस हो सकता है फॉर एग्जाम्पल फेलिंग टू डिसेबल डिबिंग एंड डायग्नोस्टिक फीचर कैन समटाइम्स प्रोवाइड अटैक विद यूजफुल टूल फ्लॉट डिजाइन एंड बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन अब अगर कोई ऐसा फ्लॉ फुल डिजाइन कर रखा है तो वो भी डेंजरस हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इफ अ वेबसाइट रिटर्न डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्स वेन डिफरेंट एरर स्टेट्स अकर दिस कैन ऑल्सो अलाउ अटैकर टू एन्यूमरेट सेंसिटिव डेटा सच इज वैलिड यूजर क्रीडेंशियल ठीक है ना तो फ्लॉट डिजाइन आया बिहेवियर आया एप्लीकेशन का इनसिक्योर कॉन्फिग्रेशन आया फेलियर टू रिमूव इंटरनल कंटेंट आया तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अब आता है हमारे पास इम्पैक्ट इस चीज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है सो so, आपको आई थिंक यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ये चीज़ें अराइज़ होती हैं जैसे सपोज़ कोई वेबसाइट है कोई वेबसाइट है जिसमें मतलब कोई हमने ऐसी डिटेलिंग रख रखी है जिसके थ्रू जैसे कई बार वेबसाइट के पेजेस पे इंटरनल डिटेल्स शो होती जाती हैं कई बार इनसिक्योर कॉन्फिग्रेशन के थ्रू भी प्रोडक्शन एनवायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं फ्लॉट डिज़ाइन होते हैं मतलब जैसे कोई यूआई डिज़ाइन है उसमें हमने क्लिक किया तो नीचे हमें कोई मैसेज शो हो गया हार्ड कोडेड में यूज़र नेम पासवर्ड ही शो हो गया और कुछ नहीं तो है ना या जावा स्क्रिप्ट में कुछ ई मेल आई डी ऑफिशियल ई मेल आई शो हो गई तो वो भी मिस यूज़ हो सकती हैं ठीक है ना सो so, इस वजह से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर इश्यूज की जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं तो इन चीजों की वजह से हमारे कई बार चांसेस ऐसे रहते हैं डेटा में सर्वर पे वेबसाइट पे कहीं पे भी नेटवर्क में कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नेबिलिटी पाई जा सकती है अब आता है इम्पैक्ट क्या है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर का सो so, इम्पैक्ट क्या है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर अवेलेबिलिटी कैन हैव बोथ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दोनों चीजें होती हैं डायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ द वेबसाइट देर वॉट इंफॉर्मेशन एंड अटैकर इज एबल टू ऑब इन सम द एक्ट ऑफ डिस्कलोजिंग इंफॉर्मेशन अलोन कैन हैव अ हाई इम्पैक्ट ऑन एफेक्टेड पार्टीज क्या क्या हो सकता है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग लीकेंगे कस्टमर सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेलिंग यही है जो मैं आपको डे वन और स्लाइड वन से आपको यही समझा रही हूँ इन्फॉर्मेशन का क्रेडिट कार्ड का डिटेल लीक हो जाना या कोई फ्रेमवर्क का वर्जन डेटाबेस का वर्जन सर्वर का वर्जन लीक हो जाना सो so, ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है अगर अटा करके हाथ लग गई तो ठीक है अगर नॉन टेक्निकल के हाथ लगे वो कहेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है उसे समझ नहीं आएगा लेकिन टेक्निकल को तो समझ में आएगा सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रिवेंशन टू इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वेबिलिटी फिर हम इसका फटाफट से प्रैक्टिकल करेंगे प्रिवेंशन टू इंफॉर्मेशन डिस्कलोज वेबिलिटी अब प्रिवेंशन कैसे रखें इन सबसे Make sure that everyone involved in producing the website is fully aware of what is what is what information is considered sensitive. सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी कोई वेबसाइट को प्रोडक्शन पे लाया जा रहा है और लाइव किया जा रहा है तो उससे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि जैसे कई बार हार्ड कोडेड पासवर्ड्स ना हो जाए स्टैटिक कीज ना हो जाए स्टैटिक लाइसेंस की ना हो जाए स्टैटिक ए पी ना हो जाए तो इन सब चीजों का ध्यान रखें हम है ना तो कौन सी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो सकती है जो कि प्रोडक्शन पे हार्मफुल हो सकती है अगर दिख जाए तो प्रोडक्शन लाइव एनवायरमेंट में उन सब चीजों का ध्यान रहे सेकंड है ऑडिट एनी कोड फॉर पोटेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एज पार्ट ऑफ योर क्यूए और बिल्ड प्रोसेस ऑडिट होना चाहिए कोड का क्योंकि कई बार पोटेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी डिस्कलोज हो सकती है बिल्ड एटमोसफेयर पे डोंट प्रोवाइड अटैकर्स विद क्लूज अबाउट एप्लीकेशन बिहेवियर अननेसेसरीली कभी भी अटैकर्स को क्लूज ना मिल जाए एप्लीकेशन सिक्योरिटी के तो हम ऐसा कुछ सिक्योरिटी नहीं लगाएं जो उसमें मैसेज पास हो रहा है या कोई लिंक के थ्रू दिख रहा है कि भाई हमने ये चीज़ लगा रखी है पात दे रखा है इधर फाइल रखी है जिससे कि वो अटैकर के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए डबल चेक दैट एनी डीबगिंग और डायग्नोस्टिक फीचर्स आर डिसबल्ड इन द प्रोडक्शन एनवायरमेंट हमेशा डबल चेक करें कि डिबगिंग और डायग्नोस्टिक फीचर्स डिसबल हो कई बार क्या होता है हम एप्लीकेशन जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको जब डीबग मोड में करते हैं तो वो ओपन होके आ जाती है ठीक है ना तो वो सारी चीज़ें उसकी फिर सारी फंक्शनैलिटी शो हो जाती है उसके लॉक फाइल शो हो जाते हैं लॉक कैट आ जाती है जिसने एंड्रॉयड पढ़ाया है उसको पता होगा सो so, उन सब चीज़ों से हम बच पाए इसलिए हमें डीबगिंग के टाइम पे मैक्सिमम डायग्नोस्टिक फीचर्स डीबगिंग के टाइम पे सारी चीज़ें डिसेबल रखनी चाहिए मेक श्योर यू फुली अंडरस्टैंड द कॉन्फिग्रेशन सेटिंग्स पूरी तरीके से आप कॉन्फिग्रेशन सेटिंग समझें एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी दैट यू इम्प्लीमेंट ठीक है ना एंड सिक्योरिटी इंप्लीकेशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजीमेंट सो इसका मतलब ये क्या है कॉन्फिगुरेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉन्फिगुरेश हम सर्वर के लिए सेफर रख सकते हैं मीन्स कोई ऐसी कॉन्फिगुरेशन जो सर्वर पर कहीं डेटा ना लीक कर दे वो चीज हम ध्यान रखें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट का डेटा नहीं रिविल कर दे ऐसी कॉन्फिगुरेशन ना करें हम ठीक है ना तो कॉन्फिगुरेशन भी हम बहुत स्पेसिफिक हो जो कि काम तो चले हमारा लेकिन वहां से कोई डेटा लीक ना हो पाए सो so, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान में रखें उसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर से प्रिवेंट हो सकते हैं ठीक है so, सो चलिए अब फटाफट से हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर अगर होता है मतलब ये अवेलेबिलिटी अगर होती है तो ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम राइट सो क्विकली चलते हैं हम अपनी साइट पे हम मूव करेंगे पोस्ट स्विगर पे So, हम अपनी लैब में आ गए हैं बग बाउंटी की लैब जिसमें हम आज इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र के बारे में समझेंगे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वेलेबिलिटी क्या क्या काम करती है हमारा सो so, हम देखेंगे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र इन एरर मैसेजेस हम लैब को एक्सेस करते हैं एरर मैसेज के थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन निकल सकती है जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक बर्ब सूट को ऑन कर लीजिए बर्ब सूट आपका ऑन रहना चाहिए ये रहा हमारा बर्ब सूट हम इसका भी प्रॉक्सी सेट कर देते हैं प्रॉक्सी भी सेट है नो इश्यूज। सो अब इंफॉर्मेशन इन एरर मैसेजेस को हम कैसे करेंगे सपोज मैं इसमें से कोई भी पेज खोल लेती हूँ व्यू डिटेल्स करने के लिए सो so, जब ये पेज खुला तो ऑब्वियसली इसकी रिक्वेस्ट हमारे बॉबसूट में गई होगी हम बॉक हम एच हिस्ट्री में उसकी रिक्वेस्ट को चेक करते हैं एक बार प्रोडक्ट आई आया सिक्स आपको मैंने बता रखा है आपको मैंने बता रखा है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी आया है मतलब जब भी ये कोई नंबरिंग आती है ये कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें जरूर देके जाती है तो हम इसको रिपीटर पे लेके जाएंगे रिपीटर में हम इसको एक बार सेंड कर देते हैं तो जैसे ये नॉर्मल चीज आती है रेस्पॉन्स uh, में ये रेस्पॉन्स में हमारे पास नॉर्मल चीज आई है पर देखिए अगर कोई एरर मैसेज आता है तो वो कितना ज्यादा वलनेबल हो सकता है किस लेवल पे वो वलनेबिलिटी दे सकता है आज हम वो देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे ये प्रोडक्ट आई को हम रिमूव करके इस जगह हम हैकर लिख देंगे और इसको सेंड करके देखते हैं देखिए हमने नंबर था और उस जगह हमने क्या किया एक स्ट्रिंग पास कर दी मैं मैग्नीफाई करके आपको दिखा देती हूँ होपफुली आपको समझ में आ जाए उसके थ्रू देखिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डी सिक्स था उसको रिमूव करके मैंने डबल कोट्स में हैकर टाइप कर दिया अब ये एक स्ट्रिंग टाइप हुई है ठीक है ना और अभी हमारे पास टू हंड्रेड ओके है अब हम एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट को भेज के देखते हैं कि क्या होता है है ना तो मैं मिनिमाइज कर देती हूँ उसको सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट को सेंड करती हूं तो हमारे पास आया फाइव हंड्रेड इंटरनल सर्वर एरर अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है एज सच तो कोई इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही लेकिन अगर आप लास्ट में देखेंगे अगर आप इसके रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स है हमारा ये हमारा रिस्पॉन्स है जो कि 500 इंटरनल सर्वर एरर बता रहा है अगर हम इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास अपाचे स्ट्रट्स का वर्जन शो हो रहा है प्लीज कमेंट इन द चैट विंडो आप सबको दिख रहा है ना साथ के साथ आप करते चले तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आता जाएगा अपाची स्ट्रट्स का यहाँ पे उसने हमको वर्जन शो कर दिया जो कि अटैकर यूज करके बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट कर सकता है ठीक है ना सो so, अब हम इसको मिनिमाइज करके एक बार आगे का देखते हैं करके इसको यहां से वर्जन को हम कॉपी करेंगे एंड जो हमारी लैब है हम उसके सोल्यूशन में पेस्ट करेंगे सो देखिए यहाँ पे हमने वलेबिलिटी का पता लगा लिया है और यहाँ पर आ गया हमारे पास कंग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब सो वेरी गुड आप ऐसा कुछ कर सकते हैं और इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वलेबिलिटी को हम कैसे एरर मैसेज के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं एरर मैसेज आया बहुत सारे एरर मैसेज आए लेकिन समझ नहीं आया पर उसके नीचे उसने एक वर्जन शो कर रखा था वो वर्जन हार्मफुल हो सकता है इस वजह से ये लैब सॉल्व हुई है सो होपफुली आपको यहाँ तक कि ये लैब समझ में आई हो प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखते चलिए अगर किसी को कोई डाउट आया है किसी को कोई दिक्कत आई है या किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इससे रिलेटेड एंड डोंट वरी मैं आंसर ज़रूर दूंगी सो डोंट थिंक कि मैं आंसर नहीं दूंगी मैं ज़रूर आंसर दूंगी अब हम एक और इसकी लैब है हम उसे भी सॉल्व करके देखते हैं जितनी ज़्यादा लैब सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी चीजें अब यहाँ पे क्या है पहला वाला तो था एरर मैसेज एरर मैसेज के थ्रू फाइंड आउट करना अब यहाँ पे है सोर्स कोड डिस्क्लोजर वाया बैकअप फाइल्स बैकअप फाइल्स अब बैकअप फाइल्स में क्या क्या हो सकता है हमें वो फाइंड आउट करना है मतलब कोई बैकअप फाइल बनी हुई है या कोई बैकअप फाइल बनी आती है उसमें किस तरीके से हम वो पक... अगर हमें वो पता चल गया तो उसके थ्रू हम कैसे इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं आज हम वो देखेंगे सो आई थिंक आप सब एक्साइटेड हैं इस चीज को जानने के लिए सो प्लीज मैसेज कीजिए एंड फटाफट से हम इसको देखते हैं सो दिस लैब लीक्स इट सोर्स कोड बाय बैकअप फाइल इन अडन डायरेक्टरी टू सॉल्व द लैब आइडेंटिफाई एंड सबमिट द डेटाबेस पासवर्ड विच इज हार्ड कोडेड लीक्ड इन सोर्स कोड ठीक है ना तो क्या हुआ है दिस लैब लीक्स दिस लैब लीक्स इट सोर्स कोड बैकअप फाइल्स इन अडन डायरेक्टरी हिडन डायरेक्ट्रीज में उसने डेटा लीक करा है क्योंकि वहां पर हमारे पास हार्ड कोटेड पासवर्ड अवेलेबल थे सो so, देखते हैं फटाफट से इसको कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं फटाफट फटाफट कमेंट करते चलिए कि आपको कैसा लग रहा है ट्यूटोरियल इस बार मैंने काफ़ी सिम्पलीफाई किया है ये चीज़ मैं ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा चुकी थी एक ऑलरेडी बग बाउंडी के वीडियो में लेकिन वहाँ पे मेरे पास स्लाइड्स नहीं थी और साथ ही साथ मैंने ये दूसरा एग्जाम्पल भी शो नहीं किया था इस वजह से मैं ये पूरा दोबारा से लेकर आई हूँ ठीक है सो अब क्या है अब हमारे पास ये सब चीजें हैं लेकिन आप एक बार देखिएगा अब ये यू लिखा हुआ है इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं स्लैश लगाते हैं रोबोट्स डॉट हैं, एंटर करते हैं देखिए उसने बोल रखा है डिस अलाउ बैकअप मतलब ये बैकअप फाइल्स अलाउड नहीं है ठीक है ना पर हमारे पास बॉबसूट तो है जिसके थ्रू हम हेल्पफुल रह सकते हैं तो टारगेट पे जाएंगे टारगेट में हमारे पास टारगेट में जाने के बाद आप साइट मैप पे जाए साइट मैप पे जाने के बाद आपके पास लिंक आएगा आप उसको ओपन करें ये नहीं है हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए ये फोल्डर बना हुआ बैकअप आया है आप इस पे जाए इसके अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश बना हुआ है इस पे आए जब आप इस पे आएंगे तो ऑब्वियसली इसकी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में कुछ चीज आएगी ठीक है ना सो so हम क्या करेंगे इसको रिपीटर पे लेके चलेंगे जब भी हमें कोई इसमें चेंजेस करके देखना होगा कि क्या इसका आंसर निकलता है तो हम पहले रिपीटर पे लेके जाएंगे इसको सेंड करते हैं जब हमने इस नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड uh, किया तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बैकअप के साथ पाथ आया है मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूं पाथ अगर किसी भी चीज का पता चलता है तो बहुत डेंजरस हो सकता है ठीक है ना तो हमें यहाँ पे पाथ मिला है हम इसको कॉपी करेंगे एंड इसको हम यहीं पे रिक्वेस्ट में डाल के एक बार सेंड करके देखते हैं जैसे ही मैंने वो पाथ डाला एंड सेंड किया आप देखो इनकी एक क्लास का कोड पूरा का पूरा बाहर आ गया देखिए ये पूरा का पूरा जावा प्रोग्रामिंग है सीरियलाइजेबल डेटा को यूज करते हुए क्या क्या इन्होंने फंक्शनैलिटी यूज करी है ये पूरा का पूरा डेटा फाइंड आउट हो गया है अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है हाई लेवल का आप यहां पे देखें आप यहां पे देखें कनेक्शन बिल्डर है कनेक्शन बिल्डर कनेक्शन बिल्डर डॉट फ्रॉम अब यहां पे क्या क्या चीजें दे रखी है पोस्ट ग्रे एसक्यू ड्राइवर आया लोकल होस्ट आया एंड यहां पे एक की और उन्होंने दे दी ये की भी आई है लोकल होस्ट दे दिया इन्होंने आईडी दे दी पोर्ट भी दे दिया फाइव फोर थ्री टू पे रन कर रहा है पोस्ट पोस्ट ग्रेस प्रोस्टग्रेस इन्होंने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया तो हर चीज़ ही तो आपने शो कर दी हमें और साथ ही साथ आपने एक की भी शो कर दी तो जब भी हार्ड कोडेड डिटेल्स निकलती है तो वो डेंजरस होती है और इसी चीज़ को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वलनेबिलिटी सो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वलनेबिलिटी समझ में आई होगी एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट है तो मैं आपका ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दूंगी फॉर श्योर sure. कई बार डिफरेंट uh, काम आ जाते हैं कई बार uh, किसी काम में एंगेज ज़्यादा हो जाते हैं तो इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते होंगे बाकी रिस्पॉन्स हमेशा जाता है ओके सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे पाथ पता चला और उस पाथ से उस पाथ को हमने सूट में सेंड किया डॉट बीके फाइल कभी खुलती नहीं है लेकिन हमने उसको यहाँ पे पाथ की तरह से फॉर्म रखा सेंड किया उससे पूरा का पूरा हमारा कोड बाहर आ गया और उस कोड में हमें ये डिटेलिंग पता चल गई ठीक है ना तो ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है अब जो ये की पता चली है इसको हम सबमिट करते हैं सोल्यूशन में क्योंकि जब भी हम कोई बग बाउंटी करते हैं या जब भी कोई हम कैच द फ्लैग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास हमें अपना आंसर सबमिट करना पड़ता है तो ये लैब उसी चीज की आपको प्रैक्टिस भी करा रही है ठीक है ना तो हम इसको सबमिट करेंगे एंड यस वी डन दिस मीन्स यहाँ पे हमने कंग्रेचुलेशन का मैसेज ले लिया इसका मतलब हमारी ये लैब भी सॉल्व हो गई है सो so होप आपको ये मेरा वीडियो ओवरऑल वीडियो समझ में आया हो प्लीज़ लाइक like करें शेयर करें किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ बताएं एंड किसी को कोई भी इशू आता है तो वो भी प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी बताएं जिससे मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकूं। ऑल राइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हाईलाइटेड होता हुआ जहाँ पे अगर आपको हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है अगर आपको हमारा स्पेसिफिकली uh, कोई कोर्स लेना है या कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो उसका मैं ऑलरेडी आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर को एक्सप्लेन करूँगी उसके नीचे लिंक दूंगी प्लीज़ आप उस फॉर्म को फिलअप करें हमारी टीम आपसे बात करेगी उस चीज़ से रिलेटेड ओके थैंक यू सो मच हैवे अ नाइस डे एंड बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच अगैन आप जल्दी जल्दी वीडियोस को लाइक करते चलें शेयर करते चलें सब्सक्राइब करते चलें जिससे कि हम और अच्छा मोटिवेशन से वीडियोस बनाते चलें थैंक यू सो मच